ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए। जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वह आदत छूटी नहीं, लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है। और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 District 1 Product की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी, और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें, इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।